हिंदू समाज पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती किरण कमलेश तिवारी, पत्नी स्वर्गीय कमलेश तिवारी व नरसिंह सरस्वती महाराज को अयोध्या जाने पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नजरबंद किए जाने के संबंध में सरोजनाथ योगी जी हिंदू समाज पार्टी राष्ट्रीय धर्म आचार्य जी को अयोध्या जाने पर गिरफ्तार कर जेल भेजने के संबंध में हिंदू समाज पार्टी युवा मोर्चा ने अपना विरोध जताया और एक ज्ञापन राष्ट्रपति को संबोधित मुरादाबाद जिला अधिकारी को सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से हिंदू समाज पार्टी युवा मोर्चा के अध्यक्ष ने कहा कि स्वर्गीय कमलेश तिवारी द्वारा अयोध्या में श्री राम मंदिर के लिए निरंतर संघर्ष किया गया था, जिस कारण कट्टर पंथियों के निशाने पर आए और उनकी हत्या कर दी गई, जबकि वर्तमान में श्री राम मंदिर भूमि पूजन पर हिंदू समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती किरण कमलेश तिवारी व हिंदू समाज पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी स्वर्गीय कमलेश तिवारी के सपने को पूर्ण होता देख अयोध्या जाने के लिए प्रस्थान कर रहे थे, परंतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हट धार्मिकता के कारण उन्हें नजरबंद कर दिया गया और कुछ वरिष्ठ पदाधिकारियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। योगी सरकार नाइंसाफी है और सरकार द्वारा शोषण किया जा रहा है। इन सब बातों को लेकर हिंदू समाज पार्टी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रांशु जोशी ने ज्ञापन देने के बाद बताया कि जय श्री राम, वंदे मातरम। मैं प्रांशु जोशी, हिंदू समाज पार्टी युवा मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष। हमारे गुरु महाराज जी यतिनंद नरसिंह महाराज जी को नजरबंद कर दिया गया, अयोध्या जाने से रोका गया और आपके श्री सरोजनाथ योगी जी महाराज जी जो राष्ट्रीय धर्माचार्य हैं हमारे, उनको जेल भेज दिया गया 2 अगस्त को। आज कल से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को नजरबंद कर दिया गया। हमारे प्रदेश प्रभारी, उत्तर प्रदेश प्रभारी गौरव वर्मा जी को नजरबंद कर दिया गया। तो अयोध्या राम मंदिर के लिए जहां हम 5 तारीख को दिवाली मनाने का ऐलान कर रहे हैं, वहां इस तरीके से अगर हिंदुओं की उत्पीड़न हो रहा है तो आप मुझे बताइए साधु संतों का मान सम्मान कहां है। मेरी सरकार से विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि जितना भी साधु संत अयोध्या राम मंदिर में जाने में खुश हैं, ऐसे आम आदमी भी राम मंदिर जाने में खुश है। राम मंदिर का आप नक्शा दिखा रहे हैं जनता को, जनता भावुक हो रही है राम मंदिर जाने के लिए। क्या उनका मन नहीं करता है रामलला के दर्शन करें? जो कई वर्षों से टेंट में थे, आज वो दिन आया है कि राम मंदिर अयोध्या में उनका विकराल रूप ले रहा है। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, लेकिन दुर्भाग्य की बात हमारे लिए ये है कि जिस तरीके से ये सब कार्य हो रहे हैं, इन चीजों को रोकना चाहिए सरकार को। मैं यही तो आप लोगों से पूछना चाहता हूँ भैया कि जब राम मंदिर के लिए अमर बलिदानी कमलेश तिवारी जी ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, राम मंदिर का इतना बड़ा आंदोलन किया गया और शायद अभी भी कुछ मीडिया कर्मी होंगे जो 23 अप्रैल को मैं खुद यहाँ से गया था, संकल्प लिया था कमलेश तिवारी जी के नेतृत्व में, तब मैं हिंदू महासभा में था, तो ऑलरेडी लगभग 1.5 से 2 लाख कार्यकर्ता गए थे। तब मुझे अयोध्या फैजाबाद में इंस्पेक्टर साहब सीओ साहब का नाम मुझे ध्यान नहीं, मैं वो भी रूबरू कर दूंगा कि उन्होंने मेरे को गिरफ्तार किया और मुझे सुबह से लेकर रात तक थाने में बिठाया। बेकार मैं झूठ बोलूं कि मेरे से कोई अभद्रता नहीं करी, पूरे सम्मान से बिठाया गया। क्यों? क्योंकि उसके बाद उन्होंने सुबह मेरे को संकल्प लेने से रोका, उसका शाम को 7 बजे रामलला जी के दर्शन करवाए गए। तो ये क्या गलती है हमारी कि हम रामलला के दर्शन करने के योग्य नहीं है? अगर योग्य नहीं है तो हमें आप बता दीजिए, हम कुछ नहीं करेंगे। मैं ये चाहता हूँ कि जो सरोजनाथ योगी जी हैं उनको रिहा किया जाए और जो हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं उनको नजरबंदी से हटाया जाए और उनको अयोध्या जाने की अनुमति दी जाए।